गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 10, 2022। हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूँ। देखा संडे का दिन है और टू बी ऑनेस्ट मुझे संडे के दिन बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं होती हैं पेपर से। कभी कभी साइंस एंड टेक में अच्छी खबरें आती हैं लेकिन आज ऐसा अच्छा दिन नहीं था। तो आज कुछ रिपीटेड सी ही न्यूज आज हम लोग ज्यादातर करने वाले हैं। जो बच्चों ने रिविजन करना है वो बल्कि बहुत अच्छे से टॉपिक कर सकते हैं। और आजकल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है ना, आपको एक टाइम स्टैम्प दिया हुआ है तो पर्टिकुलर टॉपिक के टाइम के ऊपर जाके आप क्लिक करके उस टॉपिक को भी पढ़ सकते हो। जैसे मान लो आपको मंकी पॉक्स पढ़ना है तो मंकी पॉक्स पे जाके क्लिक करिए, आप सिर्फ मंकी पॉक्स की ही न्यूज देखोगे। तो इससे जो है आपका थोड़ा समय जो है सेव हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए सीधा बढ़ते हैं आज क्या क्या करने वाले हैं। तो FATF के बारे में थोड़ा बात करेंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में पाकिस्तान से थोड़ा न्यूज है, रिपीटेड टॉपिक है, बिल्कुल भी नया नहीं है तो ज्यादा समय इसको मैं दूंगा नहीं। रेड पांडा ये हमारे लिए नया टॉपिक है क्योंकि आपको पता है कि स्पीसी ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में काफी आते हैं, तो रेड पांडा न्यूज में है तो यहाँ से सवाल आने के बिल्कुल चांसेस बनते हैं। कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, ये भी रिपीटेड सा टॉपिक है। इसके कारण क्या क्या हैं, सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत बात करेंगे। बुद्धिस्ट साइट रिस्टोर्ड ये भी बिल्कुल नया टॉपिक है, ये पहले हम लोगों ने नहीं किया है तो आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन को हम लोग कवर करेंगे। ग्लेशियल रिसीडिंग हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है वो थोड़ा जानेंगे। पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एग्जाम्पल देने के काम आ सकता है एग्जाम में हमारे। रिसेंट स्टडी हुई है उसने कहा है कुछ। मंकी पॉक्स के बारे में बात करेंगे, पहले बात कर चुके हैं, रिपीटेड सा है, इसमें एक दो पॉइंट हम लोग सिर्फ नया कुछ ऐड करने वाले हैं। लैंडस्लाइड के बारे में बात करेंगे, ये भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं तो ये भी थोड़ा सा रिपीटेड ही है एक तरह से। एंड न्यू एनवायरमेंटल लॉज के बारे में बात करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट चेंज करना चाहती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट, एयर एक्ट वगैरह को, उसके अंदर सरकार क्या चेंजेस करना चाहती है और वो चेंजेस क्यों करना चाहती है और उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उन चीजों के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ एमसीक्यूज भी हैं उसको थोड़ा सा देख लेंगे। आर्ट एंड कल्चर से इंक्लूड किया है मैंने एमसीक्यू आज। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जैसे कि आप रोज करते हो वीडियो को लाइक करें उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए तो फ्रंट पेज पे देख लेते हैं एक बार क्या है। भैया श्रीलंका में हो गया है बहुत तगड़ा हंगामा। हंगामा ये हो गया कि गोटाबाया जी जो प्रेसिडेंट थे उनके, तो वहां पे देखिए पब्लिक घुस गई है और वहां पे इतना पब्लिक घुस गया तो गोटाबाया जी भाग गए अपना महल छोड़ के। और वहां का जो स्विमिंग पूल है, वहां का जो किचन है, लोग वहां पे एंजॉय कर रहे हैं, चिल आउट कर रहे हैं, एकदम नहा रहे हैं, कूद रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और कितना कितना बुरा हालत हो गया श्रीलंका का। यही गोटाबाया जी और इससे पहले जो राजपक्षा थे, किसी के समय में किसी टाइम में सबसे पावरफुल इंसान माने जाते थे श्रीलंका के, और थे भी ऑफकोर्स, प्रेसिडेंट हैं भैया, प्राइम मिनिस्टर हैं। और आज देखें कि ये हालत हो गई है कि जनता ने जो उनको उनके घर से ही खदेड़ दिया है। तो पावर जो है वो, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप नहीं रखोगे तो भैया फिर गंगा जो है उल्टी बहने लगती है जिस समय ये बह रही है। तो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो अगर आप पावर बोलते हैं ना कि पावर के वो चक्कर में अंधा हो गया है ना, पावर ने उसको अंधा कर दिया, तो ऐसे ही कुछ हुआ श्रीलंका में, जो कि वहां के पॉलिटिकल लीडर से अंधे हो गए पावर में इतने ज्यादा कि जनता क्या चाहती है, इकोनॉमी कैसे काम करेगी, बिल्कुल किसी की परवाह नहीं की और वो अपने ही उसमें रहे माहौल में। तो ये लेसन भी है पूरी दुनिया के लिए, इंडिया के लिए भी है, दुनिया के लिए भी है। तो भैया अपनी इकोनॉमी को संभालिए, लोग जो चाहते हैं उनका टेक केयर कीजिए, वेलफेयर करिए और जरूरतों को पूरा करिए। लोग क्या चाहते हैं यार, लोग अपने पेट में खाना चाहते हैं, है ना, लोगों को चाहिए फूड, दो टाइम की रोटी चाहिए और थोड़ा काम चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, इससे ज्यादा आम जनता को ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इतना भी अगर आप उसको दे देते हो वो खुश है सरकार से, अगर आप इतना भी नहीं दे पा रहे हो तो फिर गवर्नमेंट का फायदा क्या है। गवर्नमेंट बनाई इसलिए जाती है ताकि जनता को बेसिक सुविधाएं दी जा सके, रोटी कपड़ा मकान। तो वही है थोड़ा सा लेसन है, मतलब जो है पॉलिटिशियन नहीं, मतलब गवर्नमेंट की बात कर सकते हो, गवर्नमेंट शुड बी अफ्रेड ऑफ पीपल, पीपल शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ गवर्नमेंट, है ना, ऐसा कहा जाता है। चलिए FATF की बात करते हैं। हेड ऑफ FATF विजिट पाकिस्तान, डबल्स एफर्ट टू ट्रेस मसूद। देखिए इसका थोड़ा सा मैंने आपको कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है FATF के बारे में, आप थोड़ा इसको जाके अलग से पढ़ सकते हो। मामला ये है कि वैसे तो पूरे चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा क्योंकि अमेरिका ने ऐसा इंडिकेशन दिया है और अमेरिका जो इंडिकेशन देता है भैया हो ही जाता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पाकिस्तान को कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। तो 34 FATF के अंदर जो है 34 ऐसे टास्क दिए गए हैं पाकिस्तान को, अगर उस टास्क को वो अचीव कर लेता है तो उसे ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। इट इज लाइक जैसे खतरों के खिलाड़ी होता है, टास्क दिए जाते हैं आपको। अब इस टास्क में एक टास्क सबसे बड़ा ये होता है कि जो वहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है
और जो इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं भैया उनको अरेस्ट करो, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको सीज करो, उनके बैंक अकाउंट को जो है क्लोज करो। ये भी एक टास्क दिया गया है और इस टास्क में मसूद अजहर जो कि फाउंडर हैं किसके, जैश ए मोहम्मद के, बहुत बड़े इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं भैया। जो 26/11 अटैक हुआ था वहां पे भी इनका नाम था, जो 99 में हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था, 2001 के अंदर हमारा जो पार्लियामेंट्री अटैक हुआ था, भैया सभी के अंदर इसका नाम आता है। तो मसूद अजहर को अरेस्ट करना है, लेकिन मसूद अजहर का आता पता ही नहीं है, छुपके बैठा हुआ है कहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा पाकिस्तान की सरकार कह रही है। भैया सबको पता है कि पाकिस्तान की सरकार ने ही खुद उसको छुपाया हुआ है। थोड़े समय पहले भी आपको पता है केस आया था साजिद मीर का, ये भी काफी बड़े टेररिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने इस आदमी को 8 साल पहले डेड डिक्लेयर कर दिया था पूरी दुनिया के सामने कि वो तो मर गया। पाकिस्तान अभी थोड़े समय पहले, 2 हफ्ते पहले अमेरिका ने जब उसको थोड़ा धमकाया हड़काया पाकिस्तान को, पाकिस्तान कहने का, अरे सर वो तो जिंदा है, उसे हम लोगों ने पकड़ लिया। अरे 8 साल पहले तुमने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया था, आज तुम इसको कैसे पकड़ लिया? तो ऐसा ही मसूद अजहर के केस में भी हो रहा है। इसको कहीं किसी बंगलों में लेके गई होगी ISI, उसको वहां पे बैठा रखा होगा, खिला रहे होंगे पिला रहे होंगे बढ़िया उसको, और अभी बोल रहे हैं कि उसका अता पता मिल ही नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है उसको थोड़े समय के बाद डेड भी डिक्लेयर किया जा सकता है, ऐसा ही होता है। तो भैया आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना, क्योंकि जैश ए मोहम्मद का मेन टारगेट क्या है, इंडिया के अंदर इंस्टेबिलिटी लेके आना, और पाकिस्तान का तो जो पूरा आर्मी है, उसका जो ISI है, उसकी जो दूसरी एजेंसीज हैं, उनका तो रोटी इसी, इनका घर चली इसी बात पे रह के इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो। तो मसूद अजहर को आप कैसे अरेस्ट कर सकते हो यार, है ना? तो ये कुछ चीजें हैं, लेट्स होप कि ऐसा हो जाए, वो करे उसको। कुछ लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर छिपके बैठ गया है। अरे भैया अफगानिस्तान से लोग भाग के पाकिस्तान में छिपने के लिए आते हैं है ना, पाकिस्तान से लोग भाग के अफगानिस्तान में थोड़ी जाएंगे। ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट, पाकिस्तान में आकर उसको छुपा, उसको सबसे सेफ पाकिस्तान लगा, इमेजिन करिए इस बात को। तो अब मसूद अजहर अफगानिस्तान थोड़ी जाएगा। तो यही है पूरी बातें, और ग्रे लिस्ट के अंदर रखा हुआ था क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग की के लिए जो है सेफेस्ट हेवन माना जाता है पाकिस्तान को। और FATF की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस के अंदर है, ठीक है। इंडिया जो है 2010 में इसका परमानेंट मेंबर बन गया था। कुछ कुछ चीजें आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो दो लिस्ट होती है, एक होती है ब्लैक लिस्ट और एक होती है ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट के अंदर जैसे ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, इस तरह की कंट्री है। ग्रे लिस्ट के अंदर जैसे पाकिस्तान है यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में आती है? तो उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग सकते हैं, IMF वर्ल्ड बैंक से लोन वगैरह मिलने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, जो इन्वेस्टमेंट होती है कंट्री में वो कम हो सकती है, बायकॉट वगैरह हो सकता है, कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि रिपीटेड सा टॉपिक है, पहले इसको अच्छे से खास हम लोग कर चुके हैं। 20 रेड पांडास टू मेक अ होम इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट अ होम। तो जानवरों का घर तो जंगल ही होता है ना अल्टीमेटली, जू थोड़ी होता है, कैप्टिव ब्रीडिंग थोड़ी होता है, जो कैप्टिव हाउस होते हैं जिसको बेसिकली आप जू कह सकते हो। ऐसे कोई एनिमल, देखिए हम जो बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के पास हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है इनसीटू और एक होता है एक्सिटू। ये आपने NCERT में पढ़ा होगा। अपनी इनसीटू का मतलब होता है जहां पे हम लोग फॉरेस्ट के अंदर ही या उसका जो नेचुरल हैबिटेट होता है वहीं पे उस स्पीसीज को प्रोटेक्ट करते हैं। एक्सिटू का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर स्पीसीज को, वो एनिमल भी हो सकता है प्लांट भी हो सकता है, यूजली एनिमल के टर्म में यूज करते हैं, उसको वहां से पकड़ के लेके आते हैं, उसको अपने जू वगैरह के अंदर कहीं रखते हैं, वहां पे उसको खाना खिलाते हैं, उसकी प्रॉपर ब्रीडिंग करते हैं, उसको अच्छी सुविधाएं देते हैं। जब यहाँ पे उसकी पॉपुलेशन ग्रो करने लगती है तो बाद में जाके उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है। ये दो तरीके होते हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये इसमें से जो सेकेंड तरीका है ये वाला, ये हम लोगों ने पांडा वाले केस में फॉलो किया था, ठीक है। रेड पांडा की बात कर रहा हूं मैं, देखिए कितना कितना क्यूट है ये बेचारा, और इसका साइज भी बहुत छोटा सा होता है, ये बिल्कुल बिल्ली के जैसा होता है, और ये पाया जाता है चाइना, नेपाल, भूटान वगैरह में, इंडिया में पाया जाता है, दार्जिलिंग हिल्स में पाया जाता है, लेकिन इसकी संख्या काफी कम हो गई थी, तो जिसकी वजह से वहां पे हम लोगों ने इसको पकड़ लिया। पकड़ लिया क्या, ये हमारे पास जो है सिंगलीला नेशनल पार्क है, ठीक है, हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है वेस्ट बंगाल के अंदर, ये दार्जिलिंग हिल्स में पाया जाता है। तो वहां पे काफी सालों से हम इसकी कैप्टिव ब्रीडिंग कर रहे थे, मतलब इसको पकड़ के इसकी ब्रीडिंग कर रहे थे, तो अब इसकी संख्या थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई होगी तो इसको हम लोग जंगल में छोड़ रहे हैं बेसिकली। तो ये पूरी की पूरी न्यूज है, इसलिए इसने कहा है ना कि मेक अ होम टू द फॉरेस्ट, तो बेचारा वापस जंगल में जाएगा, आराम से वहां खेलेगा कूदेगा मस्ती करेगा, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा। ऐसा हम चाहते हैं कि पॉपुलेशन को इंक्रीज करे। और जब IUCN की बात करते हैं तो IUCN की रेड लिस्ट अंदर जाहिर एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है रेड पांडा, तो ये जो दूसरा बड़ा पांडा होता है ना उसके जैसा नहीं होता, और यूजली कहने सोलिटरी रहना पसंद करता है, अकेले रहना पसंद करता है,
ज्यादा भीड़ भड़ाका इसको पसंद नहीं है, अकेले शांति में रहना पसंद करता है। कभी कभी अपनी फैमिली के साथ ये ट्रैवल किया हुआ देखता है, एक दो लोग होते हैं फैमिली में इसके, लेकिन यूजली अकेला रहता है। फ्रूट्स वगैरह कंज्यूम करता है, कभी कभी जो है छोटे ये बर्ड्स के एग्स खा लेता है, और मोस्टली इसकी जो पूरी लाइफ है ना वो पेड़ पौधों के ऊपर ही बीतती है, जमीन के ऊपर बहुत कम आता है, तो लकड़ी वकड़ी खा के बेचारा काम चला लेता है। ठीक है, 1994 में जो है दार्जिलिंग जू ने कंजर्वेशन के लिए इसकी प्रोग्राम चलाया था, थोड़ा बहुत बस आपको ये पता होना चाहिए, और इसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए, तो कितना अच्छा है पांडा। तो नियरली 5 करोड़ केसेस पेंडिंग इन कोर्ट्स, तो रिजू जी कह रहे हैं भैया कि 5 करोड़ जो केस हैं वो पेंडिंग हैं, तो इन्होंने क्या कहा, बाकी वो हमारे लिए काम की चीज़ नहीं है। हाँ, ये हमारे लिए काम की चीज़ हो सकती है कि इंडिया में इतने सारे केस एक्चुअली पेंडिंग हैं क्यों। 70,000 के लगभग केसेस तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही पेंडिंग है, जिनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, बाकी हमारे हाई कोर्ट हो गए, लोकल कोर्ट्स हो गए। 5 करोड़ केस पेंडिंग है भैया, कोई आसान नहीं है, वो 140 करोड़ की जनता है और 5 करोड़ केस पेंडिंग है, बहुत बड़ा नंबर है। अब बात ये नहीं है केसेस से दिक्कत नहीं है, केसेस चाहे 10 करोड़ भी आ जाएं, लेकिन आप उनका कितना जल्दी सुनवाई करते हो वो सबसे बड़ी बात है ना। दिक्कत यह है कि एक तो हमारे यहाँ पे केस ज्यादा, ऊपर से सुनवाई नहीं होती है, तो वो पेंडिंग केस जो है पाइलअप होते रहते हैं, लगातार बढ़ते रहते हैं। तो रीजन क्या है हमारे यहाँ पे डिले होने का, सबसे बड़ी बात है वैकेंसी, है ना भैया। हाई कोर्ट में जज ही नहीं है, हमारे लोकल कोर्ट्स में जज ही नहीं है, वैकेंसी है हर सरकारी महकमे में, वो हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, तो सर भैया ये जुडिशरी कैसे छूट जाएगा उससे, तो सीधी सी बात है। दूसरी बात आप ये कह सकते हो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं, है ना, डिजिटल डिवाइड है, जो लोकल कोर्ट्स हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो हाई कोर्ट्स हैं डिजिटल डिवाइड है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है वहाँ पे अच्छा खासा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहाँ पे केस की सुनवाई थोड़ा जल्दी हो जाती है, लेकिन मोस्ट केसेस में इंडिया में तो है ही नहीं वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। बजट भैया बहुत सारा कम है हमारे यहाँ पे, तो पैसा ही नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा, वैकेंसी कैसे होंगी, सैलरी कैसे जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, है ना, कंप्यूटर कैसे लेके आएंगे, वो सब चीज़ें हैं। दूसरी बड़ी बात यहाँ पे, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ही सबसे बड़ा लिटिगेशन है, आम जनता की बजाय इंडिया में गवर्नमेंट ही सबसे ज़्यादा केस लेके जाती है कोर्ट्स के अंदर। तो ये भी, अगर गवर्नमेंट का सिस्टम पहले से बहुत रोबस्ट हो तो भैया इसकी नौबत नहीं आएगी, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे। उसके अलावा जो लोअर कोर्ट्स हैं हमारे, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स वगैरह हैं, उनकी क्वालिटी बहुत घटिया है, जजेस वगैरह की बहुत अच्छा जजमेंट देते नहीं हैं, फिर बाद में वही केस हाई कोर्ट में चले जाते हैं। मोस्टली केस में ऐसा होता है, मतलब 30-40% केसेस में जो सेशन कोर्ट में जो फैसला सुनाया जाता है वो हाई कोर्ट में जाना ही जाना है उसको, ठीक है। तो इसी वजह से अगर उनकी क्वालिटी अच्छी होगी जजमेंट की तो ये सब नहीं होगा। फिर जो है लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लोगों का एजुकेशन लेवल बढ़ा है, अवेयरनेस बढ़ी है, तो लोग भी कोर्ट जाने से परवाह नहीं करते। एक जमाना हुआ करता था जब गांव में पुलिस आती थी तो गांव की बदनामी मानी जाती थी, एक जमाना ऐसा होता था कि लोग इस बात को बढ़ा चढ़ा के कहते थे कि अरे मैं तो अपनी जिंदगी में कभी पुलिस स्टेशन का मुंह तक नहीं देखा, पुलिस को देखना, पुलिस के साथ इंटरेक्ट करना बहुत खराब माना जाता था। आज के समय में ऐसा नहीं है, लोग अवेयर हो गए हैं, एजुकेटेड हो गए हैं, तो अभी कुछ थोड़ा बहुत बात होता है तो लोग तुरंत के तुरंत कोर्ट में चले जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है ना। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको थोड़ा देखना है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इनका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। बहुत आसान होता है सोल्यूशन ढूंढना, जब प्रॉब्लम होती है तो सोल्यूशन वही मिल जाता है आपको, लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि क्या सोल्यूशन हो सकता है इन सारी प्रॉब्लम्स का। कुछ इनोवेटिव सोल्यूशन बताओ यार, कोई घिसे पिटे सोल्यूशन मत बताना, बजट अच्छा करो, इंफ्रास्ट्रक्चर करो, वो सब करके ना, कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन बताओगे तो नंबर भी ज्यादा मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट फाइनली इन फोकस, तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1994 से लेके और 2001 के बीच में कुछ एक्सकेवेशन वगैरह किया था और एक बुद्धिस्ट साइट मिली थी किसी गांव में, कहां पे है ये देखो, कंगनाहल्ली, ठीक है, ये सन्नती साइट में पड़ता है, कालबुर्गी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इस साइट का नाम आपने याद रखना है, सन्नती साइट, SANNATI, बुद्धिस्ट साइट में एक और साइट का नाम जुड़ गया है, सन्नती साइट। तो ये किसी गांव के अंदर जो है उन्होंने एक्सकवेशन वगैरह किया था उस समय में, और कुछ अशोका के पिलर्स मिले थे बेसिकली, लेकिन तब से लेके अभी तक इसकी पूरी तरह से इग्नोर किया गया था। फाइनली सरकार ने इसके लिए जो है 3-4 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, और हो सकता है बहुत ही जल्दी जो है इसको रिवाइव किया जा सके, रिस्टोर किया जा सके, तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग अपने इतिहास को, अपने कल्चर को, जो चीज़ें टूट गई थी, भूल गए थे, जिसको हम लोग दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो टूरिज्म भी बढ़ेगा, अवेयरनेस भी बढ़ेगा, वो सब चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ में था बस। आपको ये साइट का नाम याद रखना है, सन्नति, कालबुर्गी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, ठीक है, कर्नाटका के अंदर, ठीक है, कर्नाटका में कालबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में। बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में सवाल यहाँ से आने वाला है। तो ये अशोका पिलर्स क्या हैं, एडिक्ट क्या होते हैं,
एडिक्ट मतलब वो वाला एडिक्ट नहीं, ये वाला एडिक्ट की बात कर रहा हूँ, EDCIT, ठीक है। तो जो अशोक थे ही वॉज अ मौर्यन किंग, ही वॉज अ बुद्धिस्ट। और वैसे अगर इंडिया की आप एंशियंट हिस्ट्री को देखो तो सभी मौर्यन किंग्स जो हैं और उसके बाद आने वाले बहुत सारे किंग बुद्धिस्ट। हमारी मोस्टली जो एंशियंट हिस्ट्री रही है ना वो बुद्धिस्ट हिस्ट्री रही है रादर देन हिंदू। बाद में जो गुप्ताज आए ना, गुप्ताज के समय में जो है हिंदू दोबारा से रिवाइवल हुआ, इससे पहले तो हमारी मोस्टली हिस्ट्री वो बुद्धिस्ट हिस्ट्री ही रही है। खैर, तो अशोका के पिलर की हम लोग बात करते हैं और ये स्तूपास की अगर हम लोग बात करें तो स्तूपा किस लिए बनाए जाते थे, महात्मा बुद्ध थे उनके कुछ जो रिमेन्स होते थे उनको जो है स्तूपास बनाए जाते थे उनके लिए। तो स्तूपा की कंस्ट्रक्शन आपको पता होनी चाहिए किस तरह की होती है। तो स्तूपा किसको कहते हैं, स्तूपास वर ब्यूरियल माउंट्स, जहाँ पे उनको उनके जो है वैदिक पीरियड में, एक्चुअली वैदिक पीरियड से स्तूपा बनाए जाते हैं लेकिन बुद्धिज्म में काफी पॉपुलर हुआ स्तूपा वगैरह को बनाना। तो यहाँ पे बेसिकली जो इंसान बहुत बड़ा इंसान होता है, आम इंसान की नहीं, बड़ा इंसान जो होता है, बहुत महान होता है जो, उनको यहाँ पे दबाया जाता था, ठीक है, स्तूपास गए। तो महात्मा बुद्ध के जो रिमेन्स थे उनको अलग अलग जगह पे दबाया गया, तो वहां पे अलग अलग स्तूपास बनाए गए। आर्किटेक्चर भी काफी इंटरेस्टिंग होता है इसका, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, देखा भी हमें क्लियरली देख सकते हो, सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, इसके ऊपर जो है एक अंडा होता है, सिलेंड्रिकल अंडा होता है, ठीक है, और एक हर्मिका होती है, देखिए ये दिख रहा होगा आपको, ये हर्मिका होती है और एक छत्र होता है, ठीक है, ऊपर सबसे ऊपर जो है इसके छत्र है, ठीक है, ये बाहर इसके तुराना है, तुराना, ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हो, इसे तुराना बोलते हैं, और ये डोम है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें आपको डेफिनेटली स्तूपा के बारे में कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए, डायग्राम भी आपको थोड़ा आना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, तो एग्जाम डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। और जब अशोका की बात करते हैं तो अशोका ने अपने पूरे राज्य में, जहां तक देखिए पूरे अशोका का कंट्रोल हुआ करता था भैया, कश्मीर तक ये पूरा अफगानिस्तान, तो अशोका ने बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे पिलर वगैरह बनवाए, ठीक है। तो उन पिलर के ऊपर वो अपने संदेश लिखवाते थे, आजकल तो सोशल मीडिया है, प्रधानमंत्री आजकल तो ट्वीट कर देते हैं, सारी जनता को पता चल जाता है, उसमें ट्विटर तो था नहीं, फेसबुक तो था नहीं, तो उस समय अशोका ने ये तरीका अपनाया। और ये कोई ओरिजिनल तरीका नहीं था, इससे पहले भी ग्रीक वगैरह में जो है इस तरीके का यूज किया जाता था। तो इन्होंने वही तरीका अपनाया, अपने पूरे राज्य में वो पिलर गड़वाते थे और पिलर के ऊपर संदेश लिखते थे ताकि आने वाली जनता जो है उस संदेश को पढ़ सके। हालांकि बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पर जितने भी थे पढ़ के जो है दूसरों को बता सकते हैं। तो कई सारी जगह पे जो है स्तूप मिलते हैं, जैसे उज्जैन में स्तूप मिलता है, सांची, विदिशा, बोध गया वगैरह स्तूप पाए जाते हैं, और बहुत जगह पे पिलर पाए जाते हैं, जैसे काकेनाडा में पिलर पाया जाता है ना, इस अमरावती में पिलर पाए जाते हैं। तो 20 से 25 साइट के बीच में जो है पिलर पाए जाते हैं, इंद्रप्रस्थ में पिलर पाया जाता है, तक्षशिला के अंदर पिलर पाया जाता है, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, तो अलग अलग पिलर होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए पिलर की लोकेशन क्या है, आपसे डेफिनेटली पूछ लेता है एग्जाम में, और पिलर में कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है वो भी पूछ लेता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज यूज की है अशोका ने। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ उनका जो एम्पायर था, ईस्टर्न में यानी कि उड़ीसा वाली साइड में, यूजली ब्राह्मी मगधी लैंग्वेज का यूज किया है और ब्राह्मी शिफ्ट जो है स्क्रिप्ट का यूज करते थे, जैसे हिंदी लैंग्वेज है हमारी लेकिन इसकी स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी है ना, इस तरह से। तो लैंग्वेज का नाम था मगधी, मगध, और स्क्रिप्ट का नाम था ब्राह्मी। उसके अलावा जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर था वहां पे यूज करते थे वो लोग प्राकृत लैंग्वेज, और उसकी स्क्रिप्ट क्या थी, खरोस्ती। आज भी अफगानिस्तान के अंदर खरोस्ती स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है कुछ ट्राइब्स के द्वारा। उसके अलावा कुछ मेजर रोक एडिक्ट भी हैं जो कि ग्रीक लैंग्वेज में और अर्मेनिक की लैंग्वेज में भी पाए जाते हैं। तो सारे के सारे पिलर नहीं थे, कुछ जगह पे रोक एडिक्ट भी पाए जाते हैं अशोका के दौरान, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। और यहाँ पे बहुत बार जो है वो सिंबल्स का यूज किया गया है जो कि बुद्धिज्म में काफी यूज होता है सिंबल्स का, जैसे लायन का यूज किया जाता है, एलिफेंट का यूज करते हैं, व्हील्स का यूज करते हैं, लोटस का यूज करते हैं, ठीक है। और मोस्टली जगह पे सैंडस्टोन का यूज किया गया है, कहीं जगह पे रेड सैंडस्टोन, कहीं पे जो है व्हाइट सैंडस्टोन, कहीं पे क्वार्ज़ाइट का यूज भी किया गया है। इस तरह की थोड़ी थोड़ी चीजें आपसे पूछ लेते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और यहीं से आज मैंने आपके लिए सवाल भी निकाल के लेके आया हूँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोका मेड हिज फेमस डिक्लेरेशन ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन। तो कौन से इंस्क्रिप्शन में उन्होंने कहा है, आपका ये बताना है। तो नागरा स्टाइल के बारे में एक और सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नागरा स्टाइल टेंपल्स, दीज टेंपल्स हैव इलैबोरेट बाउंड्री वॉल और गेटवे, द गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर। तो इसमें से आपने बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इन डेवलपमेंट। तो तीन क्वेश्चन आपको मैंने आर्ट एंड कल्चर से पूछे हैं। पहले आर्ट एंड कल्चर के सवाल थोड़े टफ हो सकते हैं, काफी ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है तो थोड़ा हमें पता होना चाहिए, खासकर मौर्यन आर्किटेक्चर, बुद्धिज्म के अंदर जो आर्किटेक्चर का यूज किया गया है, बाद में मुगल आर्किटेक्चर, ठीक है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो इसको पॉज करो स्क्रीन को और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ जरा सही आंसर, और साथ के साथ जो है लाइक बटन पे भी क्लिक कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों आर्टिकल आता है, दैट इज वो कहता है कि ग्लेशियर इन द्रास आर रिसीडिंग फास्ट। तो द्रास कहाँ है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। द्रास जो है वो इंडिया में सबसे कोल्डेस्ट प्लेसेस में माना जाता है, ये रहा द्रास। ठीक है, तो भैया यहाँ के जो कारगिल में पड़ता है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। इधर लेह है हमारा और इधर ये जो आपका जे एंड के आ जाता है। ठीक है, तब तो यूटी बन गया है दोनों, पहले स्टेट हुआ करता था। तो द्रास जो है दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड एज वेल। ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट कह रहा हूँ, हाईएस्ट तो ये वाला है सियाचिन। ठीक है, तो ऊपर हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, ये हमारा हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। द्रास भी कम नहीं है, तो दिस इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया एज वेल। अब यहाँ पे जो ग्लेशियर है वो भैया क्लाइमेट चेंज की वजह से पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं और वो रिसीड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा एक स्टडी के अंदर कहा गया है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन बताया गया है वो क्या है, ये वाला ट्रैफिक व्हीकल्स, जिनमें से निकलता है ब्लैक कार्बन। जो धुआं निकलता है ना ट्रैफिक से, उसमें से ब्लैक कार्बन निकलता है और वो ब्लैक कार्बन जो है स्नो के ऊपर जाके जम जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। और ब्लैक कार्बन जो है वो सनलाइट को काफी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसका अल्बिडो कम हो जाता है। यूजली क्या होता है, जो हमारी स्नो होती है इसका अल्बिडो जो है वो 90% प्लस हो सकता है। ठीक है, 90% प्लस इसका अल्बिडो होता है, लेकिन जब इस स्नो के ऊपर अगर ब्लैक कार्बन जम जाता है तो इसका अल्बिडो कम हो जाता है, ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होने लगती है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और ये मेल्ट करने लगता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन इस स्टडी के अंदर बताया गया है और इसमें कुछ खास था नहीं। ठीक है, कल हम लोगों ने तीन सवाल आपसे पूछे थे, तीनों का आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इन्फ्लेशन और इकोनॉमी के रिगार्डिंग थे। ठीक है, तो पहला तो है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बारे में था, द शेयर ऑफ द फूड आइटम विद इंडियाज टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हैज रिड्यूस्ड। तो पहले हम लोग जो है काफी ज्यादा फूड आइटम को कंज्यूम करते थे, धीरे धीरे हमारा जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, मतलब जो लोग खर्चा करते हैं उसमें फूड आइटम का जो है परसेंटेज कम हो गया है। इसका रीजन ये है कि लोगों की इनकम इंक्रीज हो गई है, तो जब लोगों की इनकम इंक्रीज होती है तो फूड के अलावा दूसरी चीजें भी कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, है ना। आप ज्यादा फिल्में देखोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छा घर किराए पे लोगे, तो दूसरी चीजों की इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। जब आदमी गरीब होता है तो सिर्फ फूड के बारे में सोचता है, जब आदमी अमीर होता है तो फूड उसकी प्रेफरेंस में काफी नीचे चला जाता है, है ना, फिर वो दूसरी चीजों के बारे में, लग्जरी चीजों के बारे में सोचता है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हेल्प इन मेजर द डिग्री इन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम बिटवीन टू डिफरेंट सेट ऑफ द इनकम डिस्पेयर डिफरेंट पीपल पीरियड। ठीक है, तो उसके बारे में बात करता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके बारे में बात करता है, कि जो अलग अलग तरह के इनकम वाले लोग हैं, है ना, उनकी कंजप्शन के बारे में बात करता है। हाउ डज इन्फ्लेशन हेल्प इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम डिसप्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइसेस। तो सीधी सी बात है, अगर इन्फ्लेशन आएगा तो सबके लिए इन्फ्लेशन इक्वल इंपैक्ट थोड़ी करता है। अमीर आदमी को इन्फ्लेशन से फर्क नहीं पड़ता, गरीब आदमी को इन्फ्लेशन से फर्क पड़ता है, तो अलग अलग हिट करता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम की, यहाँ पे बेसिकली बात करता है। हालांकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, टैक्सेशन के रिगार्डिंग है, लेकिन वो इकोनॉमी के बेसिक टॉपिक में जाके पढ़ सकते हो, जो आप एनसीईआरटी करते हो या आपके जो क्लास नोट्स होते हैं वहां से आप जाके इसको कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, वो कहता है क्यूरियस केस ऑफ ए सिम्टोमेटिक मंकी पॉक्स इन्फेक्शन। तो यूजली ऐसा माना जाता था कि जो मंकी पॉक्स का जो इन्फेक्शन होता है वो सिम्टोमेटिक होता है, यानी कि इस ये मंकी पॉक्स जिसको भी होता है उसके अंदर सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे, और जिसको भी मंकी पॉक्स हो जाता है तो वो क्लोज कॉन्टेक्ट में जो भी इंसान होता है वो उससे उसको फैल जाता है। लेकिन अभी इंटरेस्टिंगली तीन ऐसे केस आए हैं जो कि एसिम्टोमेटिक थे, उनको कोई सिम्टम नहीं था, उनको हेडेक भी नहीं हो रहा था, और जिसके भी वो संपर्क में आए हैं किसी भी इंसान को मंकी पॉक्स नहीं हुआ है। ये बिल्कुल नई फाइंडिंग है, इससे पहले हम लोगों को इस बात का नहीं पता था। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज में है। मंकी पॉक्स के बारे में पहले आपको मैं बता चुका हूं, मंकी पॉक्स कोई नया वायरस नहीं है, बहुत पुराना वायरस है, 1958 में इसको डिस्कवर किया गया था, कोंगो में इसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था और मंकीज के अंदर किया गया था। बेसिकली इंसानों के अंदर सबसे पहला केस 1970 में आया था। तो इसको जो फैलाने वाला वायरस होता है उसका नाम होता है ऑर्थोपॉक्सी वायरस, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सी फैमिली में आता है, पॉक्सविरिडे फैमिली में आता है। अभी तक हमें ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि मंकी पॉक्स किस एनिमल के अंदर होता है। नाम इसका मंकी पॉक्स है क्योंकि मंकी जो है वो वेक्टर है, मंकी मीडियम है, मंकी में ओरिजिनेट नहीं होता है। पता नहीं कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, अभी तक किसी को पता नहीं है। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको बता दी है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 5 से 21 दिन का होता है, जैसे कोरोना वायरस का 14 दिन का होता है। ठीक है, और यूजली क्या होता है, इसके सिम्टम्स अपने आप ही कम होने लगते हैं। वैक्सीन वगैरह इसके लिए हमारे पास कोई खास है नहीं, जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन होती है वही हम लोग इसके लिए भी यूज कर लेते हैं यूजली। ठीक है, लेकिन इतना डेडली नहीं है जितना डेडली जो है स्मॉल पॉक्स होता है। ठीक है, जो यंग लोग होते हैं उनको ये ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है कई बार। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा देख लीजिएगा।
नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों जो आर्टिकल आता है वो आता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मणिपुर लैंडस्लाइड। पहले तो आप इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है भैया हमारा मणिपुर, और यहाँ पे जो है ये है इसकी कैपिटल इम्फाल, और ये है आपका भेराबी, और इधर से आपका आता है लुम्बिन, और इधर आपका ये आता है जिरभूम। तो ये हो रहा था कि हम लोग जिरभूम से, जो कि आसाम के अंदर पड़ता है, एक रेलवे लाइन बिछा रहे थे इम्फाल तक, ठीक है, और ये जा रही थी पहाड़ों से निकल के, और जहां जिन पहाड़ों से निकल के रेलवे लाइन जा रही थी, ये बहुत ही फ्रजाइल टाइप की हिल्स हैं, मतलब यहाँ पे लैंडस्लाइड काफी ज्यादा होता है। और ऐसा ही हुआ था इस बार भी कि जब यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे जितने लोग काम करने वाले थे, 125 के लगभग लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। तो ये वो ट्रैक है, तो तुपुल नाम की वो जगह है मणिपुर के अंदर जहां पे वो इंसिडेंट हुआ था। तो ये लोग कह रहे हैं कि भैया लैंडस्लाइड होते क्यों हैं, उसका यहाँ पे कारण क्या है। तो ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये जो हिल्स हैं, क्योंकि अभी मॉनसून चल रहा है, रेनफॉल काफी ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लैंडस्लाइड आना बहुत आम सी बात है। लेकिन इन्होंने जो है इसके कई सारे रीजंस भी बताए हैं अलग अलग तरह के, जो थोड़ा सा मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे, आपका भी थोड़ा पता होना चाहिए। तो इन्होंने कहा है, ये कौन सा टॉपिक निकल गया, हाँ यही है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि रेलवे मिनिस्ट्री ने कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, झूम कल्टीवेशन जिसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वो सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे लैंडस्लाइड आने का। क्योंकि झूम कल्टीवेशन में लोग क्या करते हैं, जो माउंटेन की ट्रैक्स होती हैं, मतलब जो माउंटेन स्लोप्स होते हैं, वहां से वेजिटेशन को रिमूव कर देते हैं और फिर वहां पे एग्रीकल्चर करते हैं। जब वेजिटेशन इंप्रूव हो जाता है तो ये जो सोइल की जो कैपेसिटी होती है होल्ड करने की, वो वीक हो जाती है, और जब एक्सेसिव रेनफॉल होता है तो लैंडस्लाइड हो जाता है। तो उन्होंने बेसिकली ये यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन बताया है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है, और भी रीजन है, जैसे यहाँ की जो जियोलॉजी है, वहाँ के जो रॉक्स वगैरह हैं, वो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन करने लायक ही नहीं है, बहुत कमजोर है, सैंडस्टोन है वहाँ पे, या सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं, तो काफी कमजोर है। और जब गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को बनाया तो क्लाइमेट चेंज को कंसिडर नहीं किया, हैवी रेनफॉल को कंसिडर नहीं किया, तो गवर्नमेंट की प्लानिंग में ही गड़बड़ था। वो तो बाद में अपने बहाना बना दिया झूम कल्टीवेशन का, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन यूजली वही है कि सोल्यूशन क्या हो सकता है, सोल्यूशन तो यही हो सकता है। देखिए, दो तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर सोल्यूशन मेजरमेंट, और एक होता है नॉन स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जब हम लोग वहाँ पे प्लान करते हैं, मतलब इंजीनियरिंग और जो सिविल इंजीनियर मिलकर प्लान करते हैं, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि उस एरिया के अंदर लैंडस्लाइड होते हैं कि नहीं होते हैं, वो कितना स्टेबल है नहीं है, उसके हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल सोल्यूशन। एक होता है नॉन स्ट्रक्चर सोल्यूशन। नॉन स्ट्रक्चर सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, आप वहां पे कंस्ट्रक्शन को भैया अवॉइड करो ना, क्यों आप वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो फालतू में। तो ये जो है दोनों चीजें हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम भी डेवलप होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल वगैरह हो जाती है तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह वहां पे लगा चाहिए, इसे पता लग सकता है कि भैया लैंडस्लाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमारे इंडिया में जो है वेस्टर्न घाट को मिला के, हिमालयाज को मिला के, 12.6% लैंड, जो लैंड है इंडिया की टोटल, वो लैंडस्लाइड प्रोन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, और इसमें कुछ खास था नहीं। यहाँ पे मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में जाके, और ये यूपीएससी में ऑलरेडी सवाल पूछा भी जा चुका है, तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, लैंडस्लाइड के रिगार्डिंग ही है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि देखिए, जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट और हिमालय दोनों जगह पे लैंडस्लाइड होते हैं और खूब होते हैं, बट हिमालय के अंदर जो है लैंडस्लाइड वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में कम होते हैं, ऐसा कारण क्या है? आप मुझे वो रीजंस कमेंट सेक्शन में नीचे बताओगे। मेंस में ऑलरेडी यूपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है दैट व्हाई हिमालयन रेंजेस एक्सपीरियंस मोर लैंडस्लाइड एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, कमेंट सेक्शन में नीचे बताओगे तो बात का मजा ही आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे डाल रखे हैं, वही इब्रानी पॉइंट्स मैंने 2-3 दिन पहले भी डाले थे, लैंडस्लाइड क्या होता है, उसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है, और इसमें कुछ खास था नहीं। एक इंपॉर्टेंट और यहाँ पे थोड़ा सा नजर आता है जो कि रिपीटेड ही है, ऑल्टरिंग ग्रीन लॉज। ग्रीन लॉ मतलब ऐसे लॉ जो कि एनवायरमेंट के रिगार्डिंग हम लोगों ने बना रखे हैं, और भैया इंडिया में तो बहुत सारे लॉज हैं, हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1976, हमारे पास वाटर प्रोटेक्शन एक्ट है जिसे वाटर एक्ट कहते हैं 1974, हमारे पास एयर एक्ट है जिसे कहते हैं 1981, हमारे पास पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है 1991, और फिर बाद में हम लोगों ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया जिसके अंदर ये सारे एक्ट हम लोगों ने काम करते हैं। अब ये तो चलो बात ठीक हो गई, बात ये है कि इन एक्ट के तहत जो भी आदमी वायलेट करता है
यानी कि पोल्यूशन करता है, किसी भी तरह का पोल्यूशन हो सकता है भैया, इसका मतलब यह है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, उस आदमी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल में डाला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कह रहा है, एयर एक्ट कह रहा है और वाटर एक्ट कह रहा है। सरकार ने यह कहा कि यार ये इंप्रिजनमेंट तो ठीक है चलेगा, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कोई भी बड़ा आदमी जिसने वायलेशन किया है उसको जेल में नहीं डाला गया, उसको जेल में डाला ही नहीं गया भैया। 13-14-15 साल लग जाते हैं कार्रवाई होने में। अब मान के चलिए, मान लो टाटा है, टाटा ने कोई फैक्ट्री लगा रखी है और उस फैक्ट्री से जो है हार्मफुल केमिकल निकल रहे हैं, हो सकता है ना, तो इसका मतलब ये हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का वायलेशन है। अब इसके ऊपर होगी कार्रवाई, कार्रवाई के लिए केस जो है वो कोर्ट में जाएगा, पहले वो लोकल कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। भैया 13-15 साल लग जाते हैं और चलते 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 बात यहां तक पहुंच आती है कि किसी को भी सजा नहीं मिलती। सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट कोर्ट क्या करता है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत फाइन लगा के इसको छोड़ देता है। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि भैया ये इनफेक्टिव है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या करेंगे कि इसको क्रिमिनल एक्टिविटी ना बना के हम आपके ऊपर फाइन लगाएंगे। ठीक है, फाइन कुछ भी हो सकता है, 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक का फाइन हो सकता है। जब फाइन कलेक्ट कौन करेगा, उसके लिए ये जो है अलग से एक एजुडिकेशन जो है इन्होंने कहा है कि एजुडिकेशन ऑफिसर बनाएंगे, जो कि ये देखेगा कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने या पर्टिकुलर आदमी ने जो है कितना पोल्यूशन किया है, वो उसके ऊपर उसके हिसाब से फाइन लगाएगा और वो फाइन जल्दी कलेक्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखने में अच्छा लगता है कि हाँ बढ़िया है यार, कम से कम अब लोग डरेंगे तो सही, पहले तो लोग डर ही नहीं रहे थे, उनको पता है केस चलता रहेगा, तो फाइन के चक्कर में लोग जो है अभी वायलेशन थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं तो आपको 12-13 साल बताइए, लोग कह रहे हैं कि 9 to 33 years 9 साल से लेके 33 year लग जाते हैं भैया बैकलॉग को क्लियर करने में केसेस। इस समय इंडिया में 45,000 ऐसे केस पेंडिंग हैं जो कि एनवायरमेंटल वायलेशन के रिगार्डिंग है, जिनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ऐसा उनका कहना है। लेकिन इसका काउंटर आर्गुमेंट भी है, काउंटर आर्गुमेंट ये है कि जो एजुकेशन ऑफिसर होगा भैया वो अपनी मनचाही करप्शन कर सकता है, क्योंकि फाइन लगाना उसके हाथ में है ना। तो मान लो उसने फाइन लगाया 10 लाख, तो उनके साथ साठगांठ करेगा, वो कहेगा ऐसा करो 2 लाख मुझे कैश में दे दो, मैं आपके ऊपर सिर्फ 3 लाख का फाइन लगाऊंगा। करप्शन है ना सीधा सीधा, क्योंकि आपने उसको इतनी पावर दे दिया, तो ये भी करप्शन के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल के अंदर वही कहा गया है कि हम लोग जो अपने लॉज को चेंज कर रहे हैं, इज इट गुड और इज इट बैड। ठीक है, तो अभी तो ये हम लोगों ने इसके अभी तो हम लोग पब्लिक से जो है मांग रहे हैं ओपिनियंस, अभी हम लोगों ने इसको प्रॉपरली लागू नहीं किया है, जब लागू होगा तब इसके बारे में वो डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था, एक छोटा सा एडिशनल आर्टिकल आपके पास है भाई G20 को लेके है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज कुछ खास है नहीं। G20 को लेके पहले हम लोग बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं। ठीक है, तो यही था दोस्तों आज के इस सेशन में, लेकिन सभी के सभी बच्चे लाइक जरूर करें, अगर आपको पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ सजेशन भी दे सकते हो, हम लोग कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को और आपको जिससे ज़्यादा बेनिफिट हो सके। और ये आज का कोटेशन है, द ड्रीम डज नॉट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वेट डिटर्मिनेशन। भैया जब तक पसीना नहीं निकलेगा ना, जब तक सेक्रीफाइस नहीं होगा, डिटर्मिनेशन नहीं होगा, हार्ड वर्क नहीं होगा, तब तक कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली है। तब तक IAS तो छोड़ होगा, प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होगा, तो पसीना बहाओ, आपका जो कम्फर्ट जोन है उससे बाहर निकलो, मेहनत करो। ठीक है, हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, डिटर्मिनेशन। सिर्फ सोचने से IAS ऑफिसर नहीं बनोगे, काम करना पड़ता है, 10-12 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब जाके जो है कुछ होता है समाज में, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ेगा, उसकी सिलेक्शन होगा, सीट तो लिमिटेड सी है ना, तो लिमिटेड सीट है, अपना मैक्सिमम दो, मैक्सिमम को पुश करो, हर रोज अपने मैक्सिमम को पुश करो। अगर आज आपका मैक्सिमम 5 घंटे पढ़ना है तो कल आपका मैक्सिमम 5.5 घंटे होना चाहिए, परसों आपका मैक्सिमम जो है 6 घंटे होना चाहिए, अपने मैक्सिमम को पुश करो, बाउंड्री को पुश करो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।